क्योंकि भाई अरे अरे चचा हम लोग ना भाई आरएस का चेन सेट डलवाएंगे। आरएस के चेन सेट का भाई फायदा बताऊं इसमें क्या होता है। देखो एनएस का चेन सेट होता है ना वो 3090th वाला होता है, तो वो टॉप एंड में आपका बहुत हेल्प करेगा भाई। आरएस पर अभी देख लो हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हो चेन सेट देख रहे हो पूरी नई दिखती होगी भाई। इसमें भी ना ल्यूब्रिकेट भी नहीं किए हैं तो ल्यूब्रिकेट कर। ओ देखो वहाँ पे पूरा भाई मोबाइल जल रहा है, स्प्रॉकेट लग चुका है गाइस। तो चलो भगाते हैं और रैंडम बंदा मिल गया भाई अरुण भाई वर्जन 4 सामने देखो। तो एक प्यारा सा फ्लाई बाय दिया जाए क्या कहती है पब्लिक भाई, वो भी पूरा कहते हो भाई 112-115 चल रहा हूँ। हेलो डार्लिंग। सो हे यू गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रखो व्लॉग्स। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, होप सारी की सारी अच्छी होगी। आ गए फिर से एक न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में ना भाई हम लोग देख सकते हो अपनी लारा को भाई इतना दिन बाद निकाले हैं और आज की व्लॉग का लोकेशन देख सकते हो। जिसको पता है भागलपुर में जो रहता है कमेंट करके बताओ कहाँ पर का ये लोकेशन है। तो अभी जा रहे हैं भाई इसका चेन सेट लेने के लिए, क्योंकि भाई चेन सेट जो है ना इसका बिल्कुल ख़राब ही हो चुका है और बहुत टाइम हो गया भाई चेन सेट चेंज हुए हुए, तो क्या ही कर सकते हैं। और आप लोग तो सोचते होंगे भाई कि ये बंदा कहाँ था यार इतना दिन से कहाँ था। तो भाई आपके बंदे मतलब आपके जो भाई है भाई रक्को के साथ ना भाई बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, भाई घर पे डेथ हो गया, बहुत सारा सीन हो गया था भाई, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी। और भाई आप लोग का डिमांड मेरे को पता है यार कि आप लोग प्लस ले शिफ्टिंग का भाई अभी तक वेट कर रहे हो, मैं लाऊँगा यार वो वीडियो बहुत जल्द। इसके बाद ना वही वीडियो आएगी क्योंकि भाई अरे अरे चचा क्योंकि भाई अरे अरे चचा अच्छा हमको सिखा रही है। देख रहे हो भाई कैसे कैसे लोग हैं भाई, इतना आराम से इतना आराम से जा रहे हैं उसके बावजूद भी भाई। चलो कोई ना होता है, होते हैं कुछ कुछ लोग। तो खैर तो आज की वीडियो देख सकते हो भाई कहाँ से स्टार्ट किया और अभी जा रहे हैं ना भाई लारा का चेन सेट चेंज कराने के लिए। तो आज आप लोगों को पता है भाई आपको पता है भाई कुछ ना कुछ हमेशा करते ही रहते हैं। तो अभी लारा का ना भाई क्लच प्लेट पूरा क्लच सेट भाई चेंज करा चुके हैं और क्लच सेट चेंज कराने के बाद भाई अभी परफॉर्मेंस तो अच्छी हुई लेकिन भाई मैं चेंज से जो है ना सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरे को चेंज करना है। और 6000 रुपये अभी तक ले चुकी है लारा इस मंथ और इसी मंथ में फिर 3000 और ले रही है, समझ में नहीं आ रहा कितना पैसा खाएगी यार। प्यारी समझ गई। तो भाई इन लोगों के क्या सीन है यार, लड़की बिठा करके ना इतना ज़्यादा उड़ते हैं ना पूछो मत। तो अभी हम लोग हैं घंटाघर चौक पे और आज हम लोग ना भाई आरएस का चेन सेट डलवाएंगे। आरएस के चेन सेट का भाई फ़ायदा बताऊँ इसमें क्या होता है। देखो एनएस का चेन सेट होता है ना वो 3090th वाला होता है, तो वो टॉप एंड में आपका बहुत हेल्प करेगा भाई। आरएस में डाल दो टॉप एंड बढ़ जाएगी और एनएस में भी डाल दो जो टॉप एंड है वो रहेगी। और भाई मैं आरएस का इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना भाई इनिशियल पिकअप चाहिए और इनिशियल मेरे को अभी मिल नहीं रहा है। बाइक में टॉर्क होता है ना जो पंच होता है जैसे बाइक जंप करती है हर गियर पर, वो चीज़ नहीं मिलता है। तो और चेन ना भाई एकदम लास्ट टेस्ट ख़त्म हो चुका है। तो अभी जा रहे हैं चेन सेट को चेंज करा लेंगे भाई क्योंकि अब इसका टाइम हो चुका है, अगर इसको चेंज नहीं कराएंगे तो भाई ये अदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे सर्विस सेंटर, तो खुला है हाँ भाई खुला है, चलो जान में जान खुला मिल जाता है ना तो बड़ी खुशी होती है सीरियसली मैन। तो बॉयज स्प्रॉकेट लग चुका है गाइस, तो चलो भगाते हैं और रैंडम बंदा मिल गया भाई अरुण भाई वर्जन 4 सामने देखो। तो एक प्यारा सा फ्लाई बाय दिया जाए क्या कहती है पब्लिक भाई, वो भी पूरा कहते हो भाई 112-115 चल रहा हूँ फुल ऑन था भाई, वो बंदा भी कहते हुआ है तो भाई सीरियसली मैन बाइक ना भी मेरी वार्म अप नहीं भी है, अभी जस्ट मैंने इसको ना घर से निकाला भाई चेंज स्प्रॉकेट ना भाई चेंज कराने के बाद ना मैंने भाई वीडियो नहीं बना पाया था। चलो लगाया जाए अब चलो थोड़ा सा देखते हैं आरन फाइव में कितना लजान है, दोनों भाई फुल पावर कहते हुए वो भी लगा पड़ा है मैं भी लगा पड़ा हूँ, देखते कौन सी निकलती है भाई देख रहे हो बल ओ भाई पूरा तबाही खेचे हुआ भाई देख रहे हो अरुण भाई वर्जन 4 वाला भाई पूरा चार्ज हो गया, लेकिन भाई विदाउट हेलमेट है ये चीज़ गलत है, हेलमेट पहन लेनी चाहिए थी भाई इसको तो अगर हेलमेट पहन लेता तो भाई थोड़ा सा सेफली फील होता भाई
लेकिन सेफ्टी फील नहीं होगा क्योंकि अभी वो बंदा हेलमेट नहीं पहने हुआ है। और अभी ना भाई प्रॉपर भाई चेन स्प्रॉकेट चेंज किए हैं भाई, और चेन स्प्रॉकेट चेंज करने के बाद अच्छी खासी स्मूथनेस आ गई है बाइक में। और बाइक क्या ही बताऊँ आप लोग को, मतलब कि इनिशियल जो होता है ना इनिशियल पंच, वो चीज़ बढ़ चुका है बाइक में। और अभी मेरी बाइक ना वार्म अप नहीं हुई है इसलिए भाग नहीं रही उतनी, अभी थोड़ी भगाएंगे भाई, हाईवे है। और अभी आप लोग को ना चेन स्प्रॉकेट दिखाते हैं भाई, 41T इसमें गया है RS 200 का भाई। पहले जो एक्सेलरेशन थी ना भाई, स्टार्टिंग की एक्सेलरेशन, वो ना भाई कम लगती थी इस वाले स्प्रॉकेट के बिना, जब वो वाला स्प्रॉकेट था मतलब कम लगती थी। और अभी जो है ना भाई इस वाले स्प्रॉकेट को डालने के बाद इनिशियल जो है ना लगता है कि हाँ भाई इनिशियल कुछ पंप कर रही है भाई, कुछ है इनिशियल, है इनिशियल में दम है ऐसा लगता है। हाँ पर अभी देख लो हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हो चेन सेट देख रहे हो पूरी नई दिखती होगी भाई, इसमें भी ना ल्यूब्रिकेट भी नहीं किए हैं तो ल्यूब्रिकेट कर। ओ देखो वहाँ पे पूरा भाई मोबाइल जल रहा है, देख रहे हो, यही होता है अक्सर मेरे साथ होता है, मोबाइल जलने लगता है, साइलेंसर पे पड़ती है मोबाइल और जलने लग जाती है। इसमें 41T थे भाई और प्रॉपर RS 200 का मैंने डाला है। और अभी इस स्प्रॉकेट के साथ ना खींच करके देखेंगे कहाँ तक भगती है और कैसा परफॉर्म करती है। बाकी मेरे को जो इनिशियल पंच है ना वो बहुत अच्छा मिलने लगा अभी बाइक से, और पहले उतना खास नहीं मिलता था। और आज ना भाई आपका भाई ना रोज़े में है तो मतलब उतना ज़्यादा ताकत नहीं है बॉडी में यार, और रोज़ा रखने के बाद आप लोग जानते ही हो कैसा फील होता होगा, सुबह से कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं, और रोज़े में ही आए वीडियो बनाने के लिए। तो अब ना बाइक को खींच करके देखेंगे कि कैसी भाग रही है नहीं भाग रही है, तो वो चीज़ आप लोग को क्लियरली बताएंगे। आप लोग क्लियरली उस चीज़ को देखो, फील करो और कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। ये पहला गियर ठीक है, चलो देख लो तुम लोग, न्यूट्रल पहला गियर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पूरा लिमिटर टू लिमिटर लगा रहा हूँ। अबे अबे चाचे कैसा है भाई, ये लोग मतलब भगाने नहीं देते हैं। चलो अगेन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देखते हैं आज लाड़ा क्या परफॉर्म करती है। क्योंकि ना भाई मैंने सब ब्रेसलेट सब चेंज करा दिया है, पूरा सेट चेंज कराया हूँ भाई, और बजाज का ना ओरिजिनल मोबिल डाल रहा हूँ, इस बार मोटर नहीं डाले हैं क्योंकि भाई मोटर ना हर बार पता नहीं जल जाता है भाई, थोड़ा थोड़ा बर्न हो जाता है वो चीज़ गलत है। यहाँ पे लिंक चेक करो, देख रहे हो भाई मोबिल कर रही है मोबिल 130 समथिंग भाई। तो इधर से ना विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, एक बार रिटर्निंग में ट्राई करते हैं। विंड जो है ना भाई कौन से साइड का भाई पता ही नहीं चल रहा कौन से साइड का, लेकिन बाइक अच्छी खासी पुल कर रही है इनिशियल में ना, बहुत ही तगड़ा पुल कर रही है, ऐसा पुल कर रही है कि आप लोगों ना भाई दिल खुश हो जाने वाला है। और मैं तो भाई अब पर्सनली रिकमेंड करूँगा आप लोग को कि NS 200 में RS 200 के स्प्रॉकेट जरूर डला करके देखना भाई, इनिशियल पंच जो है ना आप लोग को इतना प्यारा देखने को मिलेगा ना कि आप लोग ना भाई बोलोगे कि हाँ रखो भाई आपने कुछ बताया यार, कुछ काम की चीज़ बताई। तो ये रहा, और पीछे के अभी जो भाई टायर वायर खुलवाए ना, तो पीछे की ब्रेक में पता नहीं प्रॉब्लम आ गई है थोड़ी, पीछे की ब्रेक ढंग से लग नहीं रही। तो फिर से एक और ट्राई लेते हैं एक बार स्लोपिंग में, चलो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर देखते हैं भाई कितनी जाती है, पहले 135 जाती थी, अभी यार हवा बहुत है। ओ भाई 124, 125, 126, 127, 128 भाई लिमिटर पूरा हिट कर गई भाई, थोड़ा सा लीन होते हैं, अब देखते हैं कितनी जाती है, 130, 132, चल 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 34, 34, गाड़ी आ रही सामने से, भाई 135 की समथिंग गई। अरे 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 मारेगा क्या यार, रोजे रमजान में भाई मार देगा बताओ। बाकी भाई परफॉर्म तो अच्छा कर रही है, लेकिन एक बार इसका टॉप एंड खींचना मेरे को,
उधर से मैंने इधर से भी भगाया भाई, तो मेरे को नहीं समझ में आया। फिर एक बार खींचेंगे, एक बार जाने टाइम देख लेते कितनी जाती है, एक बार आते उधर से। तो ये था भाई आज आपका परफॉर्मेंस, आप लोगों ने देख लिया। अभी विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है इसलिए भाई टॉप एंड नहीं निकल पाए, और विंड ब्लास्ट ना बहुत ज़्यादा भाई तो इस वजह से टॉप एंड नहीं निकाल पाए। और बाकी RS 200 का आप लोगों ने स्प्रॉकेट देख लिया भाई, ये NS 200 में कैसा परफॉर्म करता बाइक ना। अभी वहाँ पर से धुआं निकल रहा है क्योंकि भाई पूरा वहाँ ना मोबिल जो होता है भाई, मैंने नया मोबिल डलवाया था उस पर चेन पे, तो वो भाई जा कर देख रहे हो जल रहा है तो पूरा एकदम स्मोक ही स्मोक कर रही है बाइक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडिएटर ऑन कर देते हैं। तो और देख सकते हो आप लोग भाई कैसा आप लोगों को रिव्यू लगा, क्या नहीं लगा, सारा कुछ मेरे को कमेंट करके बताओ। और ये था भाई रिव्यू, और देख सकते हो NS 200 में RS 200 का सब कुछ भाई कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इजीली फिट है भाई ये दोनों भाई। आराम खुलता है, ये क्या बोलते हैं, जो भी सस्पेंशन बाहर आता है भाई, पूरा टायर वायर सब बाहर आता है तब लगता है, क्योंकि इस वाली चेन में लॉक नहीं होता है, ये डायरेक्टली जाता है भाई, तो पूरा खोल खाल के जाना पड़ता है। तो इस बार खुला था ना भाई, तो मैंने सस्पेंशन वस्पेंशन जो जितना भी होता है सबको भाई ग्रीसिंग सब करा दिया था, और क्लच प्लेट्स भी इस बार चेंज करवा दी है मैंने। तो अभी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला मेरे को, लेकिन पहले ना फिफ्थ गियर पे 135-136 जाती थी, 36 में एकदम लास्टली लॉक हो जाती थी, और अभी क्या हो रहा है ना कि 128 में जा कर के लॉक हो जा रही है, और 29 जाती है, 29-30 तक जाती, लेकिन उसके बाद नहीं जाती। अभी बाइक पूरा धुआं हो रही है भाई। तो चलिए मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल बॉयज, और कमेंट लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। चलो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट व्लॉग में।